भगवान आराम करने आते, सोते यहाँ, जगते वहाँ। क्या बात है। ओह माय गॉड। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। तो अभी हम उज्जैन में हैं और अभी हम जा रहे हैं ओमकारेश्वर जा रहे हैं। बस हमारी वहाँ पे खड़ी है रेड कलर की, तो चलते हैं वहाँ पे। हाँ, बस पकड़ते हैं। बस पकड़ के अभी एक बंदे का वेट कर रहे हैं हम। बस तो दिख गए हमें सामने। गाइस, अभी हम निकले हुए हैं बस में एंड अभी 10 मिनट का स्टॉप है। सो जलेबी खाते हैं एंड गाइस, अभी हम ओमकारेश्वर में हैं। हम उज्जैन से 100 किलोमीटर दूर आए हैं दर्शन करने के लिए। एक्चुअली क्या है, सुबह मेरा फ़ोन बंद हो गया था, तो उस वजह से मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाया। और यहाँ पे इतनी भीड़ की पूछो मत, क्योंकि दिन ही ऐसा है। दिन है यहाँ पे, 15 अगस्त है, सावन का भी महीना है एंड भीड़ ऑब्वियसली सावन के महीने में तो बहुत सारी भीड़ होती है वहाँ पे, यहाँ पे। तो हमको पता नहीं था एंड हमको लगा नहीं था कि 15 तारीख को भी इतना भीड़ है, क्योंकि लोग फ्री रहते हैं उस दिन। तो हम यहाँ पे आए दर्शन करने। हम लोग 5 घंटा लाइन पे लगने के बाद हम दर्शन भी नहीं कर पाए। तो हम यहीं पे स्टे किए। बोले हमारी बस हम लोगों ने छोड़ दिया कि भाई इतना दूर आए हैं हम लोग, तो दर्शन बिना करके नहीं जाएंगे। और बात थी 100-200 की, तो 100-200 तो हम कवर कर लेंगे अपना, लेकिन इतना दूर आए हैं तो हम छोड़ भी नहीं सकते कि भाई दर्शन करना है हमें। तो हमें दर्शन करना था उस चीज़ के। अभी चलते हैं मंदिर की तरफ। हम लोग जा रहे हैं क्योंकि अभी तक हम बस स्टॉप के पास थे, तो हम लोग ने अभी भंडारा कंप्लीट कर लिया, भंडारा खा लिया है, प्रसाद ग्रहण कर लिया। तो इसके बाद मंदिर चलते हैं और मंदिर चलने के बाद वहाँ पे भजन होता है। हो सके तो भजन होगा या नहीं होगा, बट हमें कहीं से पता चला कि हाँ भजन होता है, तो वो भजन कर लेते हैं, भजन सुनते हैं। फिर उसके बाद हम जाएंगे सुबह 4 बजे लाइन लगाएंगे ओमकारेश्वर महाराज का। एक ने तो अपनी चालाकी से दर्शन कर लिया है, विशाल ने कैसे कैसे फूट फान के चले गया, दर्शन कर लिया, बट हम 4 लोग बच गए हैं। तो हम 4 लोग कल 4 बजे की लाइन में, 4 बजे पहली आरती सुनेंगे वहाँ पे। तो मिलते हैं अभी घाट पे, या हम जा रहे हैं ओमकारेश्वर के मंदिर में, वहाँ मिलते हैं आपसे। तो गाइस, अभी हम नर्मदा नदी के पास आए हैं घाट पर, तो सीढ़ियाँ उतर रहे हैं। हर हर महादेव। सो ये व्यू है, ओ माय गॉड, व्यू देखो, व्यू गाइस, व्यू देखो, ये देखिए वो स्टैचू आप, और ये महाकाल का मंदिर देखिए, ओमकारेश्वर का मंदिर है। हम यहाँ तक पहुँच पाए थे, ये चीज़ देख रहे हैं आप, हम यहाँ तक पहुँच गए थे। जब सीढ़ी चढ़ने को हुआ हमें ना, तो हमें लेट हो गया था उस चीज़ को लेके, टाइम को लेके, क्यों हमारी बस छूट जाती, इसलिए हम वो सीढ़ी देख रहे हैं आप, यहाँ नीचे ये कोने में सीढ़ी है, वहीं पर हम रुक गए थे।
तो इस वजह से हमें लेट हुआ। तो गाइस अभी हम पानी पीने आए घाट उस तरफ है, इंशाल्लाह के यहाँ पे स्टोन का कुछ गेम खेलने लगा एंड बहुत प्यास लगी, सो इसलिए हमने पानी ले लिया है। एंड मिसाल को देखो, स्टोन बैलेंसिंग मेडिटेशन वो कर रहा है वो, हम पानी पीते भाई। सो गाइस विशाल ने अभी ऐसे ऐसे पत्थर दिखाया मुझे चुन चुन के जो नर्मदा नदी से निकली हुई है। सो मैंने भी सोचा कि मेरे लिए देखो एक मूर्ति हम देखते हैं, तो हम यहाँ पे स्टोन ले रहे हैं, यहाँ पे स्टोन ढूंढो विशाल। विशाल देख रहा है, मैं भी ढूंढता हूँ कोई अच्छा। ठीक है ये भाई, ये देख भाई, फील कर भाई, देख भाई वेलवेट है पूरा ये भाई, शेप देखो ना इसकी, इसकी शेप, माय गॉड पत्थर लग रहा है, अच्छा चीज मिला यार तुम्हें, आर्टिफिशियल लग रहा है ये भी अच्छा है, ये देखो फूल एकदम रियल दिख रहा है भाई, इसका शेप देखो, बस शेप देखो गाइस, ओ माय गॉड। सो गाइस अभी हम नदी में स्नान करके आ गए हैं एंड अभी चढ़ रहे हैं हम सीढ़िया, सांस फूल रही है, नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी का सीढ़ी हम लोग चढ़े एंड सीढ़ी चढ़ के हम लोग जा रहे हैं, ये सीढ़ी फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास लोकल चढ़ रहे हैं, तो हम लोग सीढ़ी चढ़ रहे हैं अभी, पुल पार करके नर्मदा नदी का पुल पार करेंगे और सामने वो मंदिर दिखेगा हमें। सो गाइस गंगा स्नान करके मतलब थोड़ी देर में मैं अभी आपको एक और स्टैचू दिखाऊंगा। सो वही बात चल रही है हमारी कि आरती मिल जाएगी कि नहीं मिलेगी, क्या है क्या सीन है, तो यहाँ पे काका बता रहे हैं भस्मा आरती सब गुप्त में होती है, अंदर ही पंडितों के अलावा कोई नहीं आरती के बाद, इधर भी होती है भस्मा आरती, यहाँ नहीं होती, यहाँ पे शयन आरती होती है, सांबर होती है ना माँ, वहाँ भस्मा आरती होती है, शयन आरती होती है, भगवान सोने आते, भगवान सोने आते हैं, हाँ यहाँ पे सोने आते हैं, पासे लगते हैं यहाँ पर, पास कितना क्या लगता है, प्राइस क्या रहेगा पास का, पासे लगते हैं, पासे होते हैं कि नहीं, पासे हाँ वो लगते हैं यहाँ पे, झूला लगता है, सुबह भेले हुए मिलते हैं बिखरे हुए, भगवान आराम करने आते, सोते हैं यहाँ, जगते वहाँ, क्या बात है, वहाँ जगते हैं, ये शयन आरती होती है, वहाँ भस्मा आरती होती है, रात में 9:30 होती है डेली होती है, डेली होती है वहाँ भस्मा आरती होती है रात में, नहीं अपने शयन आरती भी देखने को नहीं मिलती रहेगी ना, उसके बाद दर्शन करवाते हैं ना भाई, वाला जो लगता है दिखता है वो सब, बुरा बोला सब दिखाते हैं ना सुबह भी, वो दर्शन के बाद वो भेजे वो मिलते हैं वो सब, श्रृंगार भी अलग पूरा फूल फैला हुआ दिखता है सुबह दिखेगा कि भाई साफ करो पैर के निशान रहे, ऐसा ऐसा शयन आरती भी देखेंगे, 9:30 चलो दिख रहा हुआ दिखेगा ना सब, अपने को नहीं दिखेगा नहीं छोड़ते ना देखने को, अभी देखने मिलेगा तो वही 4:00 ना, अंदर तक गर्भगृह तक जा सकते हैं, गर्भगृह तक जाना आरती होती है, तो भाई गर्भगृह तक जा सकते हैं, और फिर सुबह वो बिखरा हुआ दिख रहा हुआ है, 9:30 देख लेते हम लोग जाते, हम लोग हाँ थे इधर ही थे हम लोग, चले जाता था अपने सोचा था निकल कोई नहीं भाई हो गया है हमारा, तो अभी हम यहाँ की सुबह की आरती देखेंगे, पहले लाइन में लगाएंगे, गर्भगृह तक जाने को मिलेगा हमें, चाय पी के हो गया अभी हम जस्ट निकल गए हैं मंदिर के लिए। सो ये मंदिर का शॉर्टकट रास्ता है, हम पहले इस वाले रास्ते से, इस साइड की इधर एक पुल है उस वाले रास्ते से जा रहे थे, ये रास्ता हमें मालूम ही नहीं था, सो अभी हमें ये शॉर्टकट मिला है, एंड आप देख सकते हैं जिस मूर्ति की बात कर रहा था मैं, वो मूर्ति ये है, आपको छोटी दिख रही होगी लेकिन मैं पास में जाऊंगा ना मंदिर के अंदर तो आपको दिखाता हूँ वहाँ से अगर दिखेगी तो, वो ये मूर्ति मैं कुछ गूगल के फ़ोटोज़ डाल दूंगा एंड बता दूंगा कि ये मूर्ति किन की है, क्योंकि मुझे आचार्य कोई आचार्य करके हैं उनकी मूर्ति है,
तो मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, तो मैं ऐसे दिखा देता हूँ इसको आपको। तो देखो ये बहुत बड़ी मूर्ति है, अभी हम लोग इसके इस मूर्ति के। सो गाइस हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, सो इसके लिए आप मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में देखिएगा कि नेक्स्ट ब्लॉग में हम कैसे दर्शन करते हैं, कहाँ जाते हैं। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर द कॉमेंट, लाइक कॉमेंट एंड शेयर। So thank you so much. Bye.